Hey everyone, welcome back to our YouTube channel. So this is Aditya Kodhab. So today in this video we will do find the sum and average of numbers. तो वो भी जावा के अंदर. So जितने भी हम क्या करने वाले हैं, जितने भी numbers होते हैं उनका हम sum करेंगे, फिर उसको जाके average कर देंगे. और इसमें हम क्या करने वाले हैं, user input लेने वाले हैं. इसलिए मैंने यहाँ पे एक Java YouTube class पहले से डाल दी ऊपर, ठीक है. So without any further delay, let's get start our video. यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, public class sum and average बना लिया है. और यहाँ पे public static void main भी फटाफट से यहाँ पे लिख लेते हैं. public static void main bracket string square brackets args. इतना काम करने के बाद मैंने ये तो कर लिया, हमने public static void में सिंपल से हमने लगा लिया. अब क्या करेंगे, स्कैनर हमें क्योंकि यूजर इनपुट चाहिए तो हमें ये लिखना पड़ेगा स्कैनर कोई भी ऑब्जेक्ट का नाम. तो ऑब्जेक्ट नाम दे दूंगा मैंने सम एंड एवरेज. तो ये मेरा सम एंड एवरेज हो रहा है इधर, ठीक है. इक्वल टू क्या आएगा, न्यू स्कैनर. तो देख सकते हो न्यू स्कैनर मेरा नीचे आ चुका है और इसके अंदर लिखना है system.in. अब क्या होगा, हम इसे यूजर इनपुट अब ले पाएंगे. सो ये काम हो गया है. अब यहाँ पे एक प्रिंट करवाते हैं लिमिट को. इसमें बेसिकली होने क्या वाला है, यहाँ पे यूजर अपना लिमिट डालेगा कितने नंबर वो प्रिंट ऐड करवाना चाहता है और नंबर उसके हिसाब से होगा, बट एक लिमिट देनी पड़ेगी तुम कितने नंबर डाल सकते हो. सो यहाँ पे करवा लेते हैं एक लिमिट. सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन का मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा. प्रिंट एलन यहाँ पे क्या डालना है, एंटर दी नंबर लिमिट. सो एक नंबर की लिमिट यहाँ पे हमें डालनी है. उसके बाद क्या करवाना है हमें, जो नंबर की लिमिट है हमें वो यहाँ पे करवाना पड़ेगा बाय यूजर इनपुट. सो यहाँ पे इंट, तो नंबर के लिए मैं यहाँ पे एन ले लेता हूँ, ठीक है. और जो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था एस सम एंड एवरेज का, उसका यूज़ करेंगे एस एम ए वी. और यहाँ पे मैं नेक्स्ट इंट का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है. और ये काम हमारा यूजर इनपुट यहाँ पे मिल चुका है. नाउ क्या करना है कि अब हमें इसको लूप में लेके आना है. सो लूप में लाने से पहले यहाँ पे जो मेरा सम है उसको पहले मैं जीरो कर दूंगा. यहाँ पे एक वैल्यू और एक वेरिएबल मैंने और डिफाइन कर दिया है ए. नाउ यहाँ पे फोर लूप का यूज़ करते हैं, फोर लूप. सो ये पहले ब्रैकेट आ चुका है. इंट एक आई वेरिएबल और ले लेते हैं यहाँ पे, इंट आई और इक्वल टू, इसको वन से शुरू करेंगे क्योंकि सम है, ठीक है. वन या जीरो चॉइस. नाउ आई इक्वल्स टू एन तक, ठीक है, और आई प्लस प्लस. ये बेसिक सा ये था हमारा इनिशियल, ये फाइनल एंड इंक्रीमेंट, ये कंप्लीट हो चुका है हमारा. अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, जब यूज़र बार बार डालता रहेगा तो यहाँ पे एक शो करना चाहिए कि एंटर योर नंबर. सो यहाँ पे लिख देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन. और यहाँ पे आउटपुट में शो करवा देते हैं यहाँ पे क्या, एंटर योर नंबर. सो अपना नंबर वो एंटर कर देगा इधर. नाउ जो मैंने यहाँ पे ए वेरिएबल लिया था उसका यूज़ करेंगे ए का, इक्वल्स टू, और जो यहाँ पे मैंने बनाया था एस एम बी ये वाला जो मैंने एन में डाल दिया था उसका यूज़ करेंगे. सो कॉपी यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट, दैट्स इट. और जो यहाँ पे मैंने सम का यूज़ किया था जीरो, अब उसका यूज़ करते हैं. अभी के लिए सम जीरो है, ठीक है. सम इक्वल टू सम प्लस ए, दैट्स इट. अभी के लिए सम जीरो है. ए क्या होगा, जो यूज़र ने अभी डाला होगा वो ए होगा हमारा, और ए सम से प्लस हो जाएगा, दैट्स इट. इतना काम यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट. नाउ अब मुझे जो होल सम पूरा जो सम होगा मुझे यहाँ पे अब लेके आना है. सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन. सो सम ऑफ नंबर प्लस, सम ऑफ नंबर क्या होने वाला है, यहाँ पे एक ये दे देते हैं स्पेस. किसको करवाना है, हमें सम को करवाना है क्योंकि ये हमारा सम ही जाके हमें प्रिंट होगा. नाउ ये काम हो गया. अब हमें एवरेज के लिए भी करना है. तो एवरेज कैसे निकलता है, सम ऑफ ऑल नंबर, जितने भी नंबर मतलब ये लिमिट वाले जितने भी नंबर थे उसको सम ऑफ ऑल नंबर से डिवाइड कर देंगे. तो सम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन. सो प्रिंट एल एन और यहाँ पे लगवा लिख देंगे एवरेज. एवरेज एवरेज ऑफ नंबर, एवरेज नंबर के लिए प्लस यहाँ पे जो सम है सम डिवाइड बाय एन, क्योंकि एन हमारी जो लिमिट थी. नाउ कोड हो चुका है कंप्लीट, इसको कर लेते हैं फटाफट से रन. सो सबसे पहले रन करने के लिए
डायट कंट्रोल F5 का भी यूज़ कर सकते हैं, इससे भी रनिंग शुरू हो जाती है और ये कंप्लीट। तो देख सकते हैं यहाँ पे आज का सम एंड एवरेज मेरा, इसको कर लेते ओपन। नाउ इधर दिखा रहा है एंटर द नंबर लिमिट, तो यहाँ पे नंबर की हम लिमिट एंटर करवा देते हैं, तो मेन लिमिट रहेगी 5। सो एंटर योर नंबर, तो अपना फर्स्ट नंबर यहाँ पे एंटर कर देते हैं 1, एंटर नंबर 2, 3, 4, 5। तो देख सकते हो इसने क्या किया, मैं दिखा दिया सम ऑफ नंबर आया मेरा 15 और एवरेज आया 3। सो हमने यहाँ पे निकाल लिया है बाय यूजर इनपुट सम एंड एवरेज। सो डैट्स फॉर टुडे वीडियो, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो अंटिल देन टेक केयर, स्टे ऑसम, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।